स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। हमारा क्वेश्चन एकदम साफ है, आपकी जो व्हीकल है वो रूल नंबर 93 मोटर व्हीकल एक्ट का वो कर रही है, वायलेशन कर रही है। कैसे कर रही है वो? ये गाड़ी जो स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ से होना चाहिए आपका सामान, आप ओवरलोड कर रहे हो। मैं आपको समझा दो, सुनिए ना, मैं ऊपर समझा दो। ये गाड़ियाँ स्ट्रेट होनी चाहिए, जबरदस्ती एक एक गाड़ी आगे लगा के ज्यादा गाड़ी भरे और ज्यादा इन लोग फाइन मारे, इसलिए आप कोई भी गाड़ी उठाते हो सर, वो जो तू गाड़ी है, वो तो गाड़ी को सुनिए ना, अगर ये गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है कमरा में अभी, तो इससे जिम्मेदार कौन रहेगा? एक्सीडेंट नहीं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। जैसे टेम्पो जब ओवरवेट जाती है ना, तो आप लोग फाइन मार देना, ओवरवेट आ जाएगी। नहीं, वो बात नहीं है, गाड़ी देने की बात है, आप रूल का वायलेशन कर रहे हैं। सेंट्रल व्हीकल मोटर एक्ट 93 के तहत आपकी गाड़ी अगर एक व्हीकल के स्ट्रक्चर के बाहर है, आप लोग खुद किसी को फाइन निकाल लेंगे यार, आप बोल दे रहे थे तो आ साहब। हां हां, अभी उठाना बाबा, ये गाड़ी को आप चिंता करिए, ये गाड़ी को सर आराम से, एक मिनट सर, आप जैसे आप गाड़ी को उठाते हो तो आप जो है अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते उसका? अनाउंसमेंट तो एक होता है ना भाई। अरे भाई सर, उसकी आवाज है, आवाज तो आती नहीं है। हमने सब देखे, आज हमने देखे, गलत कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं, हम पूरा करते हुए हम आपके ऊपर जितने लोग सब उनको पहचानते हैं, हम लोग वहाँ पे हम लोग आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है सर। हम इधर रहते हैं, मुमरा में रहते हैं। अब ये रियल मैनर है, ये देखिए अब ये गाड़ी रियल मैनर भाई, इनको गाड़ी लगाने का अधिकार नहीं, छह साल स्ट्रेट है, रूल के हिसाब से क्लियर नंबर पे नहीं गाड़ी चलना चाहिए। उनका
क्या कहेगा जैसे कि जैसे अभी भाई मुमरा में नहीं, बाकी हर शहर की मैं बात कर लूं, यहाँ पे जो टोइंग मैन होती है वो खुद एक रूल का वायलेशन करती है, वो है रूल नंबर 93 मोटर व्हीकल एक्ट। उसमें क्या है कि कोई भी इंसान अगर अपनी गाड़ी के स्ट्रक्चर के बाहर कोई सामान रखता है, जैसे लोग गाड़ी रखते हैं, तो वो रूल का वायलेशन होता है और उससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए रूल बना है कि उनके खिलाफ खुद 1000 रुपए का फाइन होना चाहिए। लेकिन वो खुद एक सरकारी कर्मचारी, एक टोइंग मैन के कर्मचारी होते हुए रूल का उल्लंघन करते, तो इसके खिलाफ हर किसी को आवाज उठाना चाहिए। और इसके साथ दो चीज ऐड करूं कि लोग जो अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट इतना स्लो होता है कि दुकान के अंदर किसी को सुनने नहीं आता है, अनाउंसमेंट की वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। थर्ड चीज, नंबर प्लेट जो होता है इनका व्हाइट होता है, जबकि इनको अधिकार है येल्लो नंबर प्लेट का, तो मतलब ये व्हाइट नंबर प्लेट मतलब किसी की पर्सनल गाड़ी है। ये तीन चीज है। मैं देखो भाई यही बोलूंगा, जब जब इंसान को उसकी लॉ की जानकारी होगी तब तब उसे सामने वालों को समझाना चाहिए, फिर चाहे वो पुलिस हो, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा पावरफुल आदमी हो, जब तक आप उनको समझाओगे नहीं तब तक उन लोग समझेंगे नहीं। अगर आपके पास लॉ की जानकारी, आप कितने भी छोटे आदमी हो, आप एक बड़े से बड़े को गलत करने से रोक सकते हो।